चिराग जीतेगा, चिराग जीतेगा। हाँ, आदि पुर से चिराग पासवान जी जीतेंगे। चिराग पासवान से माहौल बढ़िया तरह से जीतेंगे। नजर आएगी नहीं जी चाहिए, ये जीतेगा। चिराग चिराग तो अच्छा है, चिराग चिराग तो क्यों। तेजस्वी यादव को अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है तो हाजीपुर से शिव चंद्र राम को जिताना होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको बताते हैं कि ये बातें हाजीपुर पहुंचकर कही थी तेजस्वी यादव ने, और इस वक्त लाइव सिटीज की भी टीम हाजीपुर में मौजूद है। और आप देखिए कि इस वक्त हम पासवान चौक जंदाहा रोड के पास मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाजीपुर की जनता भी मौजूद है। आपको मालूम है कि हाजीपुर की सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी शिव चंद्र राम है। यानी कि मुकाबला इस बार हाजीपुर में काफी दिलचस्प होने जा रहा है। तो आइए फिर जनता से जानते हैं कि हाजीपुर की जनता के मन में कौन। जी मेरा नाम तो मदन है। जी मदन, मदन मदन क्या लग रहा है, अभी क्या होने जा रहा है हाजीपुर में? देखिए, वो कह रहे शिव चंद्र राम को कहते हैं राम विलास पासवान का बेटा, चिराग चिराग पासवान का। तो आपके मन में कौन है, चिराग या शिव? हिसाब से तो चिराग पासवान निकल जाएगा, युवा है इसलिए चिराग पसंद, इसलिए अच्छा चिराग पसंद है। अच्छा, भेंट मुलाकात करते हैं कि नहीं? जी नहीं, उनसे भेंट करने का चेहरा देख लिए बहुत हो गया। किससे? चिराग से। हाँ, तब भी आप कह रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि चिराग को जिताना है, ऐसा? चिराग तो जीतवे करेगा, जीतेगा। क्यों आप कह रहे हैं कि भेंट मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं? भेंट क्या करूँ, उतना फुर्सत कहाँ है किसके पास उनसे भेंट करने का। क्या लगता है, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तो काम होगा? आशीर्वाद हम लोग क्या देगा, आशीर्वाद ऊपर से मिला हुआ है। अच्छा, लेकिन आप लोग साथ देंगे? हाँ, साथ हम लोग देने तो काम करेंगे ना। वो काम करेगा, एकदम बिल्कुल काम करेगा, भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक, क्या लग रहा है इस बार, क्या हुआ? अरे वाह, अरे वाह, ये किसका स्टाइल है? ये तेजस्वी यादव जी का फैन हूँ मैं। तेजस्वी यादव के फैन? जी जी जी। अरे भाई, मैं एक वोट शिव चंद्र राम जी के सपोर्ट में देने जा रहा हूँ। हम हर एक एक वोट, क्या एक ही वोट है ना? एक वोट मैं अपील भी कर रहा हूँ पब्लिक से। अच्छा, अपील भी कर रहा हूँ। मैं नवयुवक माने लोग क्यों सुने तुम्हारे? लोग हमारा ये सपोर्ट है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले हम लोग ने पशुपति पारस जी को वोट दिया था। जो पशुपति पारस कोई चीज नहीं कर पाए, हम राजापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमारा हाजीपुर लोकसभा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जब पशुपति पारस ने कोई काम नहीं काम किया, हमारे यहाँ जब आए तो दलित के यहाँ जाते हैं, हमारे पूरा मिला जुला काम नहीं करने वाले है, वो मिला कर चलते। आप तो पता है ना कि आप चिराग पासवान ने ताल ठोक दी है। ताल ठोक दिए है, पर हम स्थानीय कंट्रोल को जिताएंगे, हमारे विधान महुआ विधानसभा से चिराग को नहीं जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। आप तो युवा है तो फिर चिराग क्यों नहीं? सुनिए सुनिए, हम युवा है तो हम तेजस्वी जी को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ मल्लीपुर रोड विकास सिंह। विकास क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं जी? खुले हमको रोजगार चाहिए, रोजगार वही देगा हमको। तेजस्वी यादव था ना 25 साल, कौन सी रोजगार दिया 17 साल जब आया। अच्छा, एक मिनट। अरे मैम, 2004 के पहले तक तो आरजेडी ना था, लोग को बाहर आप निकल सकती थी 6 बजे के बाद, आप अपने बताइए ना। अच्छा, और आज के टाइम में आपको इस तरह का कोई भय है? मतलब आप जंगल राज कह रहे हैं फिर? कि वो दौर जंगल राज का, एकदम जंगल राज था मैम। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अब किसको जिताना है? एकदम आपका एनडीए जीतेगा। एनडीए जीतेगा मतलब यहाँ से चिराग पासवान जीत रहे हैं, कंफर्म जीतेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कड़े लोगों का अपना अपना लोकतंत्र तो यही है ना मैम, इनका अपना कुछ रहेगा, मेरा कुछ। बट अगर आप देखेंगी जो लहर है, इट इज, क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे चिराग पासवान? मैम हम लोग एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, बट लेकिन फिर भी आकलन, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार हम लोग हैं, आराम से निकालेंगे, 400 सीट निकालेंगे। नाम है? मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है। अच्छा निरंजन जी, अभी क्या होने जा रहा है हाजीपुर में? हाजीपुर से चिराग पासवान जी जीतेंगे। काहे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जी जाएंगे? मालूम है ना कि सामने कौन है, शिव चंद्र राम है, आसान नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये तो अपनी अपनी बात है, यहाँ पे चिराग पासवान का केवल चेहरा को नहीं देखा जा रहा है। यहाँ देश में बीजेपी का फेस को और प्रधानमंत्री का फेस को देखा जा रहा है, क्योंकि देश को क्या चाहिए ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि हमारा देश किन हाथों में सुरक्षित है। अच्छा।
तो सुरक्षित हाथों में देश है और जनता को ये बात बता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार एकदम एक, और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से यानी कि हाजीपुर से चिराग पासवान एकदम चिराग पासवान ही एकदम चिराग पासवान जीतेंगे। क्या नाम है आपका? किशोरी सिंह। क्या लग रहा है किशोरी जी, क्या मन बना रहे हैं? एकदम खुल के बता दीजिए। हम लोग तो चिरागे पासवान के देंगे। काहे जी काहे सुन सुन के कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं सुन के नहीं कह रहे हैं। तो फिर उसका बाबूजी भी यहाँ से था। कौन? रामविलास पासवान जी। काम किए हैं हाजीपुर? काम बहुत किए हैं। बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए। इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं कि चिराग को अबरी जिता देना है? ना 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 सो बात नहीं है, एकदम जमीनी स्तर से देख रहे हैं जो कि रामविलास किया है और चिराग को भी देना। तो लग रहा है कि बेटे में वो वाली बात है? कोई बात नहीं है, दम है चिराग में। एकदम दम है, एकदम दम है। हाँ, हाजीपुर के लिए करेंगे चिराग पासवान? करिए रहा कि करेंगे। मुकेश कुमार, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार हाजीपुर में? इस बार चिराग पासवान का ही माहौल है। चिराग पासवान का माहौल है, लग तो नहीं रहा है। सब कह रहे हैं शिव चंद्र राम का माहौल है। दो आदमी में लड़ाई है, दो में कोई निकल जाए, कोई निकल जाए, लेकिन आपके मन में कौन है? चिराग पासवान। अच्छा, मन में आपके चिराग पासवान है। नाम क्या हुआ आपका? अरविंद कुमार शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी, अभी क्या होने जा रहा है? देखिए, हम लोग तो पार्टी के आदमी है, हम लोग तो राजद का सपोर्ट शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा, और उसको ही सपोर्ट करेंगे? किसको? इसको करेंगे, शिवचंद्र राम को। शिवचंद्र राम को यहाँ से सांसद बनाइएगा एकदम। दिल्ली उसको भेजना है तो भेजना। अच्छा, दिल्ली भेजना है तो भेजना। दूसरी बात क्या है कि अपना मत का अधिकार है तो किसी न किसी को तो देना ही। लेकिन आपको मालूम है ना कि ये गढ़ है रामविलास पासवान जी का, बेटे चिराग पासवान ने यहाँ से तार ठोक दी है, नामांकन भी। अरे, पापा ने काम किया तो बेटा अपना हस्ती दिखा रहा है, ये बात तो तय है। काम ऐसा कर, जनता कह रही है पापा क्या किया? पापा किया है ना, चिराग नहीं किया, पशुपति नहीं किया, ऐसा थोड़ी होता है। उसका तो चाचा भतीजे में लड़ाई चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अबरी जो है तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री एकदम पक्का, लालू जी का सपना पूरा, एकदम लालटेन जला देना है, एकदम जला देना है। बोलने का सिखाया, बैठने का सिखाया वही। अच्छा, लालू जी? जी। अच्छा जी, पसंद है खूब लालू जी? लालू जी पसंद नहीं है, चेहरा देख कर काम नहीं ना करते हैं। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप अंग्रेजी भी बोल देते हैं। अरे बिल्कुल, स्टडी फॉर मेक्स ए मैन परफेक्ट कंप्लीट ऑफ माइंड। अरे क्या बात है, क्या नाम है? रंजीत शर्मा। अच्छा रंजीत जी, क्या माहौल है इस बार हाजीपुर में? चिराग पासवान। चिराग पासवान, देखिए हमने नाम भी नहीं लिया और आपके जबान पर है चिराग पासवान। ये है, बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है? यस। अच्छा अच्छा, क्या लगता है पिता वाली बात है पुत्र में? सब उन्हीं का देन है। अच्छा, सब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। अच्छा, आज भी आए थे, उनसे आशीर्वाद लेकर के गए हैं। हाँ। है अच्छा, बढ़िया तरह से जीतेंगे, लग रहा है कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। लेकिन आपने सुना था ना कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुँचे थे और हाजीपुर में खूब गरजे थे। साफ साफ कहा था कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है 2025 में तो शिव चंद्र राम को जिताना होगा। नहीं, उसी का ही चिराग पासवान का यहाँ माहौल है। अच्छा, चाय पी रहे हैं आप, यानी कि चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो गपशप हो जाए आपसे? हाँ, हो सकता है। क्या लग रहा है इस बार, क्या होने जा रहा है? देखिए, जनता का निर्णय है, जनता जनता तो आप ही हैं। हम भी जनता हैं। देखिए, मेरा तो सिंगल मत है ना। तो सिंगल मत किसके साथ, मन में कौन है आपके? अभी निर्णय लोकेशन सही है नहीं, अब जिधर रुझान होगा, बोल बला जिधर होगा उधर दिया जाएगा। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना कि किस पहलवान में दम ज्यादा है, चिराग पासवान में या फिर शिवचंद्र राम में? ऐसे तो चिराग तो अच्छे हैं, हर आदमी के लिए अच्छे हैं, हर आदमी जुगा जुगा, जुगा लीडर हैं। अच्छा जी जी, दम है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दम है। लगता है कि जीत जाएंगे इस बार? लग तो रहा है, देखिए जनता, माहौल बन गया है, माहौल तो बना है, माहौल तो बना है। चलिए जी, नाम क्या हुआ? जगेश्वर पासवान। कौन जीत रहा है हाजीपुर चाचा? चिराग जीतेगा। चिराग जीतेगा? हाँ। काहे चिराग जीतेगा? एकदम देना है। क्यों देना है? एकदम जात है, अपन जात है। अच्छा, जात को देखकर वोट डालिए? हाँ हाँ, जात के वोट दे देंगे। अच्छा, काम पे न जाना चाहिए, आप जात पर जा रहे हैं, तो फिर वो हाइये है तो फिर
अरे जेकरा मन होगा जेकरा में गिरा देंगे। अच्छा जेकरा मन होगा ओकरा में गिरा देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन मन में तो चाचा आपके चिराग पासवान रखल है। अच्छा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं क्या? अरे कोई बने, तेजस्वी को नहीं बनाना चाहते हैं? कोई बने पवन कुमार। क्या लग रहा है इस बार, क्या मन बनाया है हाजीपुर की जनता? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों, शिवचंदर राम क्यों नहीं? अच्छा है उनका, रामविलास जी अच्छा काम किए थे यहाँ। अच्छा आज भी याद आते हैं रामविलास पासवान जी का देना हाजीपुर का विकास किया है। अच्छा तो इसी को देखते हुए चिराग पासवान, तो सुना आपने कि इस बार हाजीपुर की जनता ने क्या ठाना है, कैमरे पर बता दिया है कि आखिर हाजीपुर की जनता के मन में कौन बसता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।